Please subscribe to Kids Zone YouTube channel and don't forget to press the bell icon to never miss an update. Kids Zone Pakistan. एक ऐसी जमी बस मैजिक है जहाँ हर सू ताकत का समान, ना जाने कोई कौन बीज बन जाए और किसी के हाथ ना आए। साजिशें नफरतें बढ़ती ही जाए, शहजा देख न पाए, खतरों से ना डरे ना वो घबराए, मंजिल से मैं गोल्डन सिटी लैंप ऑफ वंडर्स की तलाश में वापस गई थी जो शहजादे करीम के इलाज का सबब बनेगा। वहाँ मेरी मुलाकात अलादीन नाम के एक चोर से हुई, वो भी मेरी तरह उसी लैंप की तलाश में था। हम बमुश्किल अपनी जान बचाकर वहाँ से फरार हुए। कहा था ना पहुँच जाऊँगा। और अब हमारे पास लैंप के साथ एक नया दोस्त भी है। हमें इसे रगड़ कर देखना चाहिए। ऐसा करने की मैंने 2 घंटे पहले कोशिश की थी। समझ नहीं आ रहा ये हमें ट्री ऑफ लाइफ का रास्ता कैसे बताएगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल बेजान लग रहा है। शायद घुमाने से पता चले कि इस तरफ जाना है या उस तरफ। हाँ, इस तरफ। अब इस तरफ का इशारा है। वैसे क्या दरख्त अपनी जगह से हट सकता है? मुझे बहुत मजा आया दोस्तों, लेकिन अब मुझे जाना होगा। तुम जा रहे हो? हाँ, क्योंकि गोल्डन सिटी में बहुत सारे चोर हैं और मैं नहीं चाहता कि वो मेरे क्लाइंट से चोरी करें। ओह, तुम्हारा बहुत शुक्रिया अलादीन। पता नहीं हम कैसे करते ये सब तुम्हारे बगैर। सुल्तान, अलादीन आपके लिए हाजिर है, जब आप कहें, जहाँ आप कहें, और तुम्हारे लिए भी। अब इतनी ज्यादा मेहनत के बाद तुम्हें हासिल कर ही लिया है तो तुम्हें कुछ करके दिखाना होगा। देखा तुमने, तुमने ये कैसे किया? हम कब से कोशिश कर रहे हैं लेकिन इसने कोई हरकत नहीं की। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, आखिर ये बेजान चीज मेरी बात कैसे सुन सकती है। हेलो, तुम कोशिश करो। हेलो हेलो माय मास्टर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ओ, ये सिर्फ तुम्हें जवाब देगा क्योंकि तुमने इसे वहाँ से उठाया था। वाव, क्या कभी आपने सुनी है ऐसी ब्यूटीफुल वॉइस? कौन हो तुम? मैं जमरूद हूँ, लैंप ऑफ वंडर्स की जिन। हे जमरूद, मैं कैसा दिख रहा हूँ? और मेरे बाल तो ठीक है ना? जमरूद, लैंप की जिन, मेरा नाम करीम है और मैं गोल्डन सिटी का सुल्तान हूँ। हमें ट्री ऑफ लाइफ का पता चाहिए। असल में मेरे दोस्त यहाँ ट्री ऑफ लाइफ को ढूंढ रहे हैं, वो उन्हें कैसे मिलेगा? समंदर के रास्ते आया एक शहजादा, देखा है जिसने ट्री ऑफ लाइफ को। एक शहजादा समंदर के रास्ते से? हमें और बताओ वो शहजादा। अलादीन, तुम पूछो इससे। शहजादा जो समंदर के रास्ते से आया, मैं जानता हूँ वो कौन है। कौन है? एक गैर मुल्की शहजादा जो क्रिस्टल सिटी के साहिल पर मिला, हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है। कहाँ है वो, क्या हम उससे बात कर सकते हैं? हाँ, लेकिन ये शायद थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ये तो मर चुका है। मैंने कहा था ना ये काम बहुत मुश्किल है। सुनो, अभी थोड़ी देर पहले ये नामालूम शहजादा हमें साहिल पर मुर्दा हालत में मिला है। अगर सब कुछ इसे ही मालूम है तो लैंप हमारे लिए बेकार है। मुकम्मल तफ्तीश और मालूमात के बावजूद भी क्रिस्टल सिटी के गार्ड ये मालूम नहीं कर सके कि ये कौन है और कहां से आया है। लिहाजा ये तय पाया है कि इस नामालूम शहजादे को पहाड़ी की उस मुकद्दस चोटी पर दफना दिया जाएगा अगर इसे कोई लेने ना आया। चलो सिपाहियों, इसे पहाड़ी की तरफ लेके चलो। जमरूद ने हमें यकीनन सही बताया है, चलो इसे करीब से चलकर देखते हैं। हाँ, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, काश मैं इसे ऊंचाई से देख सकती। मैं देखता हूँ। तुम जबरदस्त हो। हाँ, जानता हूँ। अजीब बात है, मुस्कुराहट है इसके चेहरे पर जबकि ये मर चुका है।
मुस्कुरा रहा था? वो यकीनन मुस्कुरा रहा था और यकीनन सांस नहीं ले रहा था। बहुत ही अजीब नजारा था। वेरी इंटरेस्टिंग। क्या लैंप ने इसके अलावा और बताया कुछ? नहीं, अब तो वो मुझे भी जवाब नहीं दे रही। उसने बस एक ही इशारा दिया हमें। जब वो वापस आ जाए तो उससे पूछना कि वो मुझे पसंद करती है या नहीं। तुम्हें क्या लगता है, पसंद करती है? जमरूद को नहीं मालूम होगा शहजादा मर गया है। उसे जो मालूम था उसने बता दिया। मुझे नहीं लगता ऐसा। जरूर कोई इशारा है। ये सारी बातें समझ में आ रही है मुझे। जरा मैं देख लूं। मुस्कुराहट। ओह यस, स्माइलिंग डेड बॉडी। आपके पास मुर्दा लोगों के मुस्कुराने के बारे में किताब है? ये रहा द स्माइलिंग स्लंबर। सही सोच रहा था मैं। क्या लिखा है? ये एक हिप्नोटिक स्पेल है। इसको करने से इंसान गहरी नींद में चला जाता है और देखने वालों को ऐसा लगता है जैसे वो मर गया हो। सिर्फ एक चीज ही बता सकती है कि वो जिंदा है और वो है उसकी मुस्कुराहट। वो जिंदा है, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि वो मर गया है उसे दफना देंगे। ऐसा हुआ तो बहुत गलत होगा, हमें उन्हें रोकना होगा। डॉक्टर डुबान, बहुत शुक्रिया मदद के लिए। और तुम्हारा भी, क्या तुम आ रहे हो साथ? माजरा चाहता हूँ, लेकिन अभी मुझे जाना होगा क्योंकि मेरे क्लाइंट्स मेरा इंतजार कर रहे हैं। बाय, मैं तुम्हें याद करूंगा। दूर दूर तक ये सारी जमीन मेरी है। व्हाट? पहाड़ मेरे हिस्से के बाहर हैं? ये नाइंसाफी है। मुझे पसंद है पहाड़। मुझे इसके लिए फाइट करनी पड़ेगी या खरीदना होगा। पहाड़ में नहीं छोड़ सकता। कुछ भी हो, मुझे चाहिए पहाड़। उड़ने वाला ऊंट जरूर करीब है। मेरा भाई, द मोस्ट वांटेड मॉन्स्टर मेरी सल्तनत में। दुनिया सर, जल्दी आओ। वो वहाँ है, उस मास्टर को इन आँखों ने देखा है। दुनिया सर, मैं क्या करूँ? वेट, क्यों ना मैं इसे खुद हैंडल करूँ? मैं हूँ सुल्तान, सुल्तान शाह जमान। दुनिया जात को भी मानना पड़ेगा। ओह परफेक्ट। यकीन है मुझे दुनिया जात माइंड नहीं करेगी। मालकिन, क्या हुक्म है आपका? हैं मालकिन, हमारी मालकिन कहाँ है? तुम हमारी मालकिन नहीं। मैं हूँ तुम्हारी नई मालकिन, मतलब मालिक। मेरे पास है रिंग और मैं ही हूँ सुल्तान। तुम्हें मेरा हुक्म मानना है। क्या नहीं मानोगे? द स्पेल, लगता है मुझे स्पेल पढ़ना पड़ेगा। मेल वायलेंट जीनी, मेल वायलेंट मिलेवलेंट, मिलेवलेंट जीनीस, कहना मानो मेरा, करो जो मैं कहूंगा, तुम्हें मानना है। मिलेवलेंट जीनीस, मेरे हुक्म की तामील करो। जवाब दो, अब से कोई और नहीं, मैं हूँ मालिक। और तुम बहुत करीब थे। करीब थे? कुछ गलत हो गया? दुनिया साथ क्या बोलती थी? डिनर टाइम। मुझे भूख लगी है। ओह नो। क्या हम आगे बढ़ रहे हैं? हवा बहुत तेज है, उड़कर जाना मुश्किल है। हमें चलकर जाना चाहिए। हम वहां से जाएंगे, हमें नीचे उतारो जमाल। इतनी भी जल्दी नहीं। ने बहुत अच्छा काम किया जमाल। कुछ ज्यादा ही अच्छा। हम लोग वैसे इस वक्त कहाँ हैं? वो गार्ड्स हमसे बहुत पहले निकल चुके थे, अब तक तो वो उस जगह पर पहुंचने वाले होंगे। हमें जो करना है जल्दी करना है। वो शहजादे को उस तरफ से लेकर जा रहे हैं जो एक लंबा रास्ता है।
हम उनसे पहले वहाँ पहुँच सकते हैं अगर हम लोग वहाँ से जाएं, क्योंकि उस तरफ हवा कम है। मुश्किल होगा। आप जानती होंगी कि कौन हमें से जल्दी पहुँच सकता है? अलादीन। सही कहा, वो वाकई बहुत तेजी से ऊंचाई पर चढ़ जाता है। मेरी पीठ पर बैठ जाओ सब, मैं पहुँचा दूंगा। क्या वाकई तुम ये कर सकते हो? हाँ चलो, वक्त बहुत कम है। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में हम जल्दी वापस आएंगे। जमाल, जरा बच के रहना गिरते हुए पत्थरों से। अरे आराम से मॉन्स्टर दोस्त, जानता हूँ कि इस वक्त हम जल्दी में हैं, लेकिन हिफाजत जरूरी है। कोई मेरी मदद करो। क्या करूं मैं? समझ नहीं आ रहा। मुझे बहुत भूख लगी है। प्लीज डोंट सी मी, प्लीज डोंट सी मी। मुझे बहुत मजे की खुशबू महसूस हो रही है ना। तुमने कर दिखाया। अलादीन ये नहीं कर सकता। देखो वो लोग वहाँ हैं। वो आराम कर रहे हैं। हमारे पास यही एक मौका है, हमें शहजादे को यहाँ से चुराना होगा। वैसे तुम जानती तो हो चीजें चुराने में कौन माहिर है। सब जानते हैं अलादीन। वेल, तुम्हें मानना तो पड़ेगा, वो वाकई एक अच्छा चोर है। हाँ, और मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक मॉन्स्टर। अब समझ आया, तुम जेलिस हो रहे हो ना अलादीन से। मैं क्यों जेलिस होऊंगा, वो सिर्फ एक मैं भी जेलिस हो जाता हूँ जब जबर उससे कोई बातें करता है। उसे लेकर आऊंगा मैं, देखना। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम मेरे पीछे रहो। तुम्हें लगता है अलादीन के अलावा और कोई नहीं कर सकता? हाँ ये सच है। अब मेरे पीछे रहना और वो ही करना जो मैं कहूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी गड़बड़ हो। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने चाय बना ली। चलो साथियों, चाय का वक्त खत्म हुआ, अब उठाओ इसे। ये अचानक से इतना भारी कैसे हो गया? नहीं नहीं, कोई भारी नहीं है ये तो। चलो चलो। सॉरी। देखें कितना खुश नजर आ रहा है, बावजूद उसके जिससे गुजरा है। हाँ बिल्कुल वैसे ही जैसे किताब में लिखा था। तो हम इसे कैसे जगाएं? इसे अच्छी तरह हिलाते हैं, उठ जाएगा। मेरे अंदाजे में रास्ते में तुम इसे काफी हिला चुके हो। देखते हैं किताब क्या बताती है। दो कहे हेलो, दो कहे गुड बाय, पलक झपकते ही दो एक बन जाएं। जब करोगे तुम ये काम तो नींद हो जाएगी तमाम। दो एक बन जाते हैं आँख के झपकने से। दो क्या? मैं समझा के तुम समझ गई होगी। आप क्या करते हैं जब आप किसी को हेलो या फिर गुड बाय कहें? सर झुकाते हैं या हाथ हिलाते हैं। ये सारी गुफ्तगू हेलो और गुड बाय की है, जो मुझे जमरूद की याद दिलाती है कि क्या मैं उसे फिर से देख पाऊंगा या नहीं। अगर वो यहाँ होती तो मैं उसे बताता कि मैं उसके बगैर कितना अकेला रह गया हूँ, क्योंकि दोस्तों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए बल्कि उनके साथ हमेशा रहना चाहिए। हाँ सही कहा, मैं समझ गई। जब हम किसी को हेलो या गुड बाय कहते हैं तो हम यही करते हैं। हम में से किसी को ऐसा करना पड़ेगा इसे जगाने के लिए। मैं कर देती हूँ। ओह नो,
मैं करता हूँ। वाकई? हाँ मैं करूँगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। ओफ, वो करीम, रहने दो तुम। वैसे ये काम आपको करना चाहिए। क्या? मैं मदद करना चाहता हूँ, पर मुझसे तो कोई पूछता ही नहीं। फिर तय हुआ, मैं ही करूँगी। ऐसा करना जरूरी है क्या शेरजाद? क्योंकि तुम्हारे इलाज के लिए ये हमारी मदद कर सकता है। चलो अब मुझे करने दो। ओ प्रिंस अहमद को अपना नाम बताओ। मेरी जान बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। ए एहसान मैं कैसे चुका? कहाँ हूँ इस वक्त मैं? खुशामदीद, तो आप जाग गए हैं, हमें आपकी मदद चाहिए। ठीक है, खा लो मुझे, वैसे भी मेरी किसको फिक्र है। आओ खाओ मुझे। तो ठीक है। वे, मैंने इरादा बदल दिया, तुम कुछ नहीं कर सकते। क्या कहा? क्या कहा, हम कुछ नहीं कर सकते? डिनर टाइम। क्या हो रहा है ये? मालकिन, वापस रिंग में जाओ। अगली बार देखेंगे। आखिर आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं शाहजमान? पर एक मसला हो गया है। खूबसूरत पहाड़ मेरे हिस्से के बाहर हो गए हैं, तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा दुनियाजा, क्योंकि मैं सुल्तान हूँ। अगर आप मुझे खुश करना चाहते ही हैं, तो मेहरबानी फरमाकर खुद से कुछ मत कीजिएगा, समझ गए? क्या? ओह रियली? हाँ, मत भूलो कि तुम मेरी वजह से सुल्तान बने हो, इसलिए जैसा कहूँ वैसा ही करना। ओके। उसके बाद हमने 20-1 पर के साथ जहाज बनाया और एक बार फिर रवाना हो गए। वैसे ये मेरा आइडिया था, और भी बहुत सी आइडियाज हैं मेरे पास। बैठ जाइए। मैं यहीं ठीक हूँ, आप आगे बताएं। फिर उसके बाद हम लोग फलदार दरख्तों से माला माल एक आइलैंड पर चले गए, लेकिन वो कोई आम फल नहीं थे। तो क्या वो सेब था? नहीं, सेब नहीं थे, समथिंग न्यू। नाशपाती? ओहो, क्या हो गया? पके हुए फलों के हर टुकड़े का एक चेहरा था, और वो बोल सकते थे, लेकिन वो एक ही चीज कह रहे थे, वाक वाक। वाक वाक, द वाक वाक आइलैंड। वो एक जादुई आइलैंड है स्टॉर्म बैरियर के बिल्कुल पीछे। और फिर हम उससे मिले जिसके मातहत वो पूरे का पूरा आइलैंड था, और मुझे लगा कि वो प्रिंसेस है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो थी जादूगरनी। उसने हमें रात वहीं कायम करने की पेशकश की, और काबिल एतमाद होने की हैसियत से हमने उसकी मेहमान नवाजी कबूल कर ली। अगली सुबह मेरे साथी वहां मौजूद नहीं थे, मैंने उन्हें बहुत ढूंढा ढूंढा, जो कर सकता था मैंने किया, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिल सका, जब तक के जादूगरनी ने मेरे साथियों को बदल दिया था, उन्हें ऐसा बना दिया कि वो दरख्त के साथ लटके रहे हमेशा के लिए। अगर कोई बचा तो वो मैं था, वो इसलिए कि जादूगरनी चाहती थी कि मैं उसका किंग बनूं। पहले तो मुझे लगा कि मुझे चुनने की वजह है मेरे सुनहरी बाल और मेरी दिलकश और हसीन शख्सियत। फिर उसके बाद मुझे ख्याल आया कि इसकी वजह ये भी तो हो सकती है कि मैं तो एक प्रिंस हूं ना। वो तो सब ठीक है, और विच? उसने मुझे ट्री ऑफ लाइफ दिखाया और कहा कि इससे हर जख्म हर बीमारी का इलाज हो सकता है, और उस दरख्त के करीब रहकर वो हमेशा जिंदा रह सकती है। लेकिन एक चीज जो उसे नहीं मिल सकी, मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत। ऐसी जिंदगी, क्या जिंदगी जिसमें कोई दोस्त ही ना हो? अकेले रहना मुश्किल होता है ना, बहुत मुश्किल।
क्या स्टोरी थी। तो क्या आप उसके बादशाह बनने पर राजी हो गए? मैं आखिर क्यों राजी होगा? मैं कोई दीवाना नहीं उस तुमने। मैं एक प्रिंस हूँ और वो मुझे लालच देकर फंसाने की कोशिश कर रही थी। मैं तो भाग गया वहां से। तो गुस्से में आकर उस विच ने जादू के तीर से मुझ पर वार किया और उसके बाद मुझ पर नींद तारी हो गई। ये तो मेरी खुशकिस्मती है जो साहिल तक पहुंचा दिया मुझे लहरों ने, अपनी सरजमीन से दूर लेकिन सही सलामत। वैसे आपका शुक्रिया। इसका मतलब ट्री ऑफ लाइफ वॉक वॉक आइलैंड पर है। क्या आप हमें ले जा सकते हैं? अफसोस, उस आइलैंड पे जाना इतना आसान नहीं और मुझे तो वैसे भी वहां का रास्ता याद नहीं। हर कोई ये समझ रहा है कि मैं मर गया। मुझे अब कुछ ना कुछ करना चाहिए इससे पहले कि मेरे घर वाले भी यकीन कर लें इस बात पे। ठीक है, हमें एक बोट चाहिए और एक गाइड जो हमें बासानी वहां पहुंचा दे। मैं आपसे इस मौके पर यहां कुछ कहना चाहता हूं। यंग लेडी, आप मेरी किंगडम में चले मेरे साथ, यहां से बहुत दूर हमेशा के लिए, जहां आप रहेंगी प्रिंसेस की तरह, एक ऐसी खूबसूरत जिंदगी जो डिजर्व करती है आप। डियर यंग लेडी, मैं तो क्या आप चलेंगी मेरे साथ? मैं नहीं, मैं नहीं। जाओ उसके साथ। क्या? हाँ, सही कहा इसने। तुम्हें मेरी वजह से अपनी जिंदगी खतरे में डालने की जरूरत नहीं। ये मेरा मसला है, मैं ही हल करूंगा। अपने लोगों को शाहजमान से, जो कि मेरा भाई है, उससे छुटकारा दिला कर ही रहूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें नुकसान पहुंचे शेरजाद। जाओ। तुम बाहर से दिखने में बेशक एक मॉन्स्टर लगते हो, लेकिन हो तो तुम मेरे प्यारे दोस्त करीम, जो सबसे अच्छा है। मैं कहीं भी नहीं जा रही, मुझे माफ कीजिएगा शहजादे। रिजेक्ट कर दिया, ऐसा पहले कभी भी मेरे साथ नहीं हुआ। ओ, ये दर्द उस विच के तीर से हुआ कहीं ज्यादा है। इट्स ओके, कोई बात नहीं, बहुत देर हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए यहाँ से। और मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहे। जिंदगी रही तब फिर मिलेंगे। वैसे काफी अच्छी कहानी सुना गया वो, है ना? सुट्री मौजूद है, इसका मतलब है उम्मीद है। उम्मीद तो हमेशा रहती है शेरजाद, अगर अच्छा दोस्त साथ हो। मेरे ख्याल से इस सिचुएशन पे कोई गाना गाना चाहिए मुझे। शुक्रिया, लेकिन अभी नहीं, और गाने से ज्यादा शायरी करो तो अच्छा रहेगा। शुक्रिया दोस्त, वैसे बेसुरा नहीं गाता मैं। अहमद को अपने घर की तरफ का रास्ता तलाश करना था, जबकि हमें स्टॉर्म बैरियर के उस पार एक जजीरे तक पहुंचना था, जहां पहुंचना हमारे लिए एक नया एडवेंचर साबित हुआ। मगर ये सब कुछ एक नए दिन की कहानी है। एक ऐसी जमी बस मैजिक है, जहां हर सू ताकत का समा, ना जाने कोई कौन बीज बन जाए और किसी के हाथ ना आए। साजिशें नफरतें बढ़ती ही जाए, शहजाद देख ना पाए। खतरों से ना डरे, हमें पता चला कि अलादीन के चिराग में एक खूबसूरत आवाज है जमरुद। मैं जमरुद हूँ। जिसने हमें एक अहम क्लू दिया ट्री ऑफ लाइफ के बारे में। मुस्कुराते हुए नींद से बेदार हुए शहजादे की मदद करने के बाद उसने हमें एक बहुत ही अजीबोगरीब कहानी सुनाई, लेकिन हमें मालूम हुआ कि ट्री ऑफ लाइफ मौजूद है और वो एक वॉक वॉक आइलैंड पर है। हम
लोग अभी यहाँ पर हैं और वॉक वॉक आइलैंड इनमें से एक है। कौन सा? ये तो नहीं मालूम। यहाँ एक मसला हल करना मुश्किल है और हमारे सामने 100 मसले और खड़े हो जाते हैं जिन्हें कैसे हल करें मालूम नहीं। हो सकता है ये जगह द स्टॉर्म बैरियर वो ऐसा जादुई तूफान है जो उस जगह से खत्म ही नहीं होता और कहा जाता है कि उसे स्टॉर्म बैरियर से कोई नहीं बच पाता क्योंकि अब तक जो कोई वहां से गुजरा है बच नहीं पाया। कोई भी नहीं लौटा? कोई नहीं सिवाय प्रिंस अहमद के। बिल्कुल ठीक। और उसे ये अंदाजा भी नहीं कि उसने ये कैसे किया। इसके अलावा वो अधमरी हालत में वापस आया अपने जहाज और अमले के बगैर। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह तुमको ज्यादा फायदा होगा। हाँ, कैसा फायदा? मुझे उम्मीद थी कि आपको मालूम होगा कि ये क्या है। अपने दिमाग पर जोर डालो, इस बारे में तुम्हें कुछ तो याद होगा, कोशिश करो। ओके ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। कुछ याद आ रहा है मुझे। ओहो, है क्या हलील? मैं भी नहीं जानता हूँ, मुझे सिर्फ इतना याद आया कि आपके बाबा हारून खालिद ने स्टॉर्म बैरियर बनाया था। क्या? मेरे बाबा भला क्यों बैरियर्स बनाएंगे लोगों को उन जजीरों पर जाने से रोकने के लिए? उन्होंने ये स्टॉर्म बैरियर तूफानी रुकावट को रोकने के लिए बनाया था, लोगों को रोकने के लिए नहीं। यूं समझो कि जैसे कोई बुरी चीज अंदर आने से रोकी जाए। हाँ? हलील सोचो, क्या उन्होंने वहाँ से गुजरने के लिए कोई रास्ता बनाया, कोई महफूज रास्ता? यकीनन वो मुकम्मल तौर पे तो नहीं बना सकते थे। तो ठीक है, वो रास्ता कैसे ढूंढ सकते हैं हम? ढूंढना है? हाँ ठीक है, ढूंढते हैं। जरा अपने दिमाग पर और जोर डालोगे? करीम आराम से, तुम्हारे नाखून नीडल की तरह चुभते हैं। नीडल? हाँ यही नीडल, तुम्हें जरूरत है नीडल की। नीडल? मैं समझी नहीं आपकी बात। हाँ, नेक्रोमैटिक नेविगेशन नीडल। एक स्प्रिट कंपास, कीमती और जादुई आला जो गाइड कर सकता है आपको स्टॉर्म बैरियर के रास्ते पर। हारून खालिद ने इसे महफूज करने के लिए किसी के हवाले किया था, लेकिन वो कौन था, किसे दी थी? हाँ, क्रिस्टल सिटी के सुल्तान यूनान। और उस सुल्तान ने इस कंपास को लेने के बाद उसे अपनी शहजादी, क्या नाम था उसका, जिनान को दिया था, और वो कंपास उसने तब से संभाल के रखा हुआ है। ठीक है, तो हमें उस नेविगेशन नीडल को हासिल करने की जरूरत है। हम करेंगे ये कि मैं नीडल के पीछे जाऊंगी और तुम नक्शे में ढूंढोगे कि इनमें से वॉक वॉक आइलैंड कौन सा है। अगर उसने इनकार कर दिया तो क्या, तुम चोर तो नहीं हो ना? नहीं मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं उसे जानती हूँ जो है। रात के वक्त मरकजी दरवाजों पर बहुत सख्त पहरा होता है। शहजादी के क्वार्टर तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है ये बालकनी। लेकिन ये बालकनी तो बहुत ही ऊंचाई पर है। जमाल की मदद से हम उड़कर बालकनी में छलांग लगा सकते हैं। जमाल, ये मत भूलो कि शहर का हर गार्ड उनको उड़ता हुआ देखेगा। परेशानी की बात नहीं, इस मसले का हल हमें हमारी जमरूद बताएगी। जमरूद? जमरूद, ये बताओ हम देखे बगैर बालकनी तक कैसे पहुँच सकते हैं? बुनी हुई लंबाई है वो जो ले जाएगी ऊंचाई तक, नोकदार नोक के साथ। बर्च का एक टुकड़ा दिखाएगा रास्ता। बर्च का एक टुकड़ा नोकदार नोक के साथ? नोकदार नोक के साथ, थोड़ा सोचा जाए तो 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 ये तीर हो सकता है शायद। वो हाँ, वो एक तीर कमान की बात हो रही थी। और बुनी हुई लंबाई एक रस्सी। मैं तुम लोगों की मदद जरूर करता अगर मैं इस खूबसूरत आवाज में गुम ना हुआ होता। वैसे आवाज तो खूबसूरत मेरी भी है, मैं आपको सुनाता हूँ एक गाना। ला 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 ला। अगर ये किसी चीज से टकरा जाए तो शायद ही काम कर जाए। तुम्हें लगता है? ओह यस, सॉरी। अगला उम्मीदवार आपकी इजाजत का मुंतजर है। तो क्या कहती हो बेटी, उन्हें बुला लेना चाहिए। हाँ, अब आप कह रहे हैं तो इन्हें भी देख लिया जाए, आने दिया जाए उन्हें। और मैं आ गया। शहजादा अहमद,
मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही, ये शहजादा यहाँ क्या कर रहा है? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम प्रिंस अहमद हो और ये साबित करने आए हो कि तुम मेरी बेटी के लायक हो या नहीं। योर एक्सीलेंसी, बिल्कुल ठीक समझा आपने। हमारा बंधन तो हवाओं के दोष में, समुंदर की बहती हुई लहरों पे और सितारों पे लिखा है। देखा आपने सितारों पे? अहमद और जिनान का। यस, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ठीक कहा। देखिए, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ ज्यादा नहीं चाहता, बस इसकी जिससे शादी हो वो प्रिंस बहुत रहम दिल होना चाहिए। मेरा दिल वाकई बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि सर से लेके पैरों तक ऐसी खसूसियात हैं जो बहुत ही इम्प्रेसिव हैं। बहुत अच्छे। देखिए, हम आपको बताते चले, आखिरी फैसला हमारी बेटी का होगा, जो वो चाहे। बेटी, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। वाह, क्या उस शहजादी को देखा तुमने? हाँ, शहजादी है तो क्या देखूं मैं। अलादीन, तुमसे बात कर रही हूँ मैं। मेरे बाबा का निशान, यही नेक्रोमैंटिक नेविगेशन नीडल है। बेटा, यही है वो शहजादी। जी जानती हूँ, यही है वो जो क्रिस्टल सिटी के प्रिंस बनने की काबिलियत रखते हैं। ये बात इन कानों ने कई बार सुनी है, लेकिन हम तभी मानेंगे जब ये तलवारबाजी में हमें हरा दें। माय डियर प्रिंसेस जिनान, बेहतर है कि आप पहले ही हार मान लीजिए, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं आपके रेशमी बालों को नुकसान पहुंचाऊं। आप तो जानती हैं, आई एम अ लेजेंड, और वो भी किसी छोटी मोटी चीज में नहीं, मार्शल आर्ट्स में। वाह, क्या बात है। कोयल की सी आवाज और झील सी आंखें, एंड गॉर्जियस यू। आप रिजेक्ट कर सकती हैं, लेकिन यकीन से कह सकता हूँ कि आपका ये नाजुक सा छोटा सा दिल अहमद, अहमद ही पुकारता है और कुछ नहीं। ये तो शुरू ही हो गए। ओ प्रिंस अहमद, मैं सुन रहा हूँ, कहिए। आप बस मेरे साथ ही रहिए, मैं अपनी तनहा जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ, प्लीज। रोती है और फिर कहती है, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, जितना जल्दी हो सके मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। क्या मुकाबला शुरू कर सकते हैं अब? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, क्या तैयार हो तुम लोग? हम तो कब से तैयार खड़े हैं, बल्कि अब तो हमें नींद भी आने लगी है। शुरू करें प्रिंस। वो नहीं जीत पाएगा। क्यों नहीं? क्योंकि जीतूंगा तो सिर्फ मैं। लेकिन तुम्हें इसकी क्या जरूरत है अलादीन? तो हारने के लिए तैयार हो जाओ। खुद को थकाइए मत प्लीज। इनका एक खेल खत्म होते ही हम चुपके से जाएंगे और नीडल हासिल कर लेंगे। मैंने आपसे कहा था खुद को थकाइए नहीं, अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा तो बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। वो उसे हरा रहा है, हमें कुछ करना होगा फौरन। हाँ, हमें अपने काम पर ध्यान देना है। ओह प्लीज, बस कर दीजिए। आपके दिल में जो है आप उसे छुपा नहीं सकती, आप यही चाहती है ना कि मैं जीतूं? जाती तो है कि जीत मेरी ही होगी। देखा, तो जीत मेरी। So beautiful. बस बस, I am Prince Ahmed. शुक्र है आपकी याददाश्त सलामत है। ये तो कमाल है। वाह, वो बहुत खूबसूरत है। अलादीन, क्या दिमाग खराब हो गया है? तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रहा हूँ? मैं वहाँ जाऊँगा और जाकर दिल जीत के आऊँगा शहजादी का। तुम्हारे साथ मसला क्या है? हम यहाँ एक मिशन पर हैं, उस पर ध्यान दो। ध्यान तो इस बात पर है कि मुझे शहजादा बनना है। प्रिंसेस जिनान, आपका असल शहजादा आ गया है। ये यहाँ क्या कर रहा है? चोर, सिपाहियों, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? गिरफ्तार कर लो इसे। क्या,
नहीं, मैं यहाँ सिर्फ अपने आप को साबित करने आया हूँ। मुझे मारने ये गार्ड्स कहाँ से आ जाते हैं? हर चीज का एक सही वक्त और जगह होती है। अगर यही करना चाहते हो तो सही तरीके से करो। आउच! मैं बता रहा हूँ, उस लड़की को हराना इम्पॉसिबल है। उससे ज्यादा जिद्दी इंसान मैंने कभी नहीं देखा। वो बहुत तेज है। इसका मतलब उसने आपको हरा दिया? उसने चीट किया। और वैसे भी मैं तो उस पुराने डस्टी कैसल में कभी रहना भी नहीं चाहूंगा, और बहुत से काम है मेरे पास करने के लिए। Well, इस वक्त हमें जिस चीज की ज्यादा जरूरत है वो ये है कि अलादीन एक शहजादे की तरह लगे। ये शहजादा? इसमें इतना हंसने वाली क्या बात है? अहमद, हमारे प्यारे शहजादे, आप हम पर ये एहसान तो कर ही सकते हैं ना? ये हैं अगले उम्मीदवार, प्रिंस अलादीन। क्या, कौन? अलादीन, और ये मेरी कजिन है, इनका नाम है जाद। हाय। हाँ, कभी सुना नहीं तुम्हारे बारे में। इसकी वजह यह है कि मैं यहाँ से बहुत दूर रहता हूँ। तुमसे पहले भी जो प्रिंस आया था वो भी बहुत दूर से आया था। हाँ, लेकिन मेरी सरजमीन दूर से भी दूर बल्कि बहुत दूर है। तुम्हारा ड्रेस कहीं देखा हुआ लगता है। दरअसल ये शहजादों का एक खास ड्रेस है, आजकल सब यही पहन रहे हैं। असल में मेरी कजन ही मेरे ड्रेसेस की सिलेक्शन करती है। क्या मैं जा सकती हूँ बाबा? पहले ही काफी वक्त जाया हो गया है मेरा। लेकिन मेरा यकीन करें, मैं इस मुकाबले में जरूर जीतूंगा। मुकाबला? शहजादे, पहले खुद को तुम साबित करो। आज से पहले हमने तुम्हारा कभी नाम भी नहीं सुना, और अपना ड्रेस तो देखो जरा तुम। अगर आप मेरी बेटी जुनान के लिए आए हैं तो बेहतर होगा कि वापस चले जाएं। मैं ये सच है कि मैं शहजादा नहीं हूँ। अलादीन, नहीं, तुम बस देखती जाओ। ये तो वही चोर है। सिपाहियों, छोड़ना मत इसे, गिरफ्तार कर लो। नहीं, रुक जाओ, ले जा, कचरे में डाल दो। कड़ी नजर रखना। हाँ, मैं कुछ भी नहीं, और मैं गरीब भी हूँ, लेकिन मैं दौलत के पीछे बिल्कुल नहीं। शायद ये बात झूठ लगे क्योंकि आपने मुझे पहली बार देखा है, लेकिन मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप रख लें। तुम्हें ये दौलत वगैरह नहीं चाहिए? नहीं, मैं नहीं चाहता ये। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जिंदगी भर मैं शहजादी का चेहरा देख सकूँ। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा, ये सब करने की वजह क्या है? क्योंकि ये मुझे अच्छी लगती है। ठीक है, फिलहाल इसे जेल में डाल दो, 10 दिन के लिए। ओह, ये सब मेरी गलती है, लेकिन मैं मजीद नहीं रुक सकती, मुझे खुद जाके वो लेडी चुरानी होगी। मुझे हैरानी है, एक माना हुआ चोर जिस काम में नाकाम रहा है, जब तुम वो काम करने जा रही हो। हाँ, लेकिन मेरे पास एक और एडवांटेज है, मैं इरादे की मजबूत हूँ। वैसे ही ना, जैसे वो करीम है। कम ऑन, करीम और मैं अच्छे दोस्त हैं। अलादीन ने बेवकूफों वाली हरकतें की क्योंकि वो अपने होश खो बैठा था। तुम इतने बड़े महल में जहाँ इतने मुआफिज होंगे, वहाँ अकेले जाना मुझे तो सुनकर ही डर लग रहा है। जिनान, मेरी प्यारी बच्ची, तुम जानती हो मुझे कितनी फिक्र है तुम्हारे। लेकिन लेकिन मैं हमेशा की तरह आपको मायूस कर देती हूँ, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? कोई क्यों नहीं है मेरे जैसा? देखो बेटा, अपनी जिंदगी में किसी को शामिल करने के लिए तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा। मैं क्या करूं अगर मुझे किसी ऐसे शख्स की तलाश है जिसमें ये सलाहियतें होनी चाहिए, जैसे कि तलवारबाजी, डट के दुश्मनों का सामना। बेटा, मैं तुम्हारी सोच की कदर करता हूँ, लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं किसी को परखने के लिए। बाबा, चाय मैं आपसे नहीं बोलती। बाबा, जो आया था अलादीन था ना वो? हाँ। क्या उसके लिए 10 दिन की कैद कुछ ज्यादा नहीं है? आप चाहती हैं उसकी सजा कम कर दें? नहीं, मैं तो बस ये कह रही थी कि 10 दिन कुछ ज्यादा नहीं होते कैद के लिए, है ना बाबा? मैं ठीक कह रही हूँ ना? चलो, इस मामले को बाद में देखेंगे। गार्ड पोस्ट,
एक क्लोजेट, शहजादी का कमरा तीसरी खिड़की। और अभी? हाँ हाँ बेटा, चलो आ जाओ। आ, क्या किस्मत है मेरी। कोई और भी है, ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया गया? हाँ? ये तो क्या हुआ अगर ये शहजादा नहीं है? ये दूसरों जैसा नहीं है, इसका दिल बहुत साफ है। और अच्छी बात ये है कि ये दौलत के लिए यहाँ नहीं आया। अलादीन, आखिर आप चाहते क्या है हमसे? मैं आपसे लड़ाई करके आपको हरा देना चाहता हूँ ताकि आपके साथ रह सकूँ हमेशा। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं पसंद करता हूँ आपको। हाँ। आखिर तुम हो क्या, गुलाम, मोची या फिर चोर? ये सब जानने के लिए बहुत वक्त है बेटा, पहले से मौका तो दो, शायद ये तुम्हारी बातों पर पूरा उतर जाए। ठीक है बाबा, जैसा आप कहें। तो फिर शुरू करें। मुझे मायूस मत करना तुम। लगता है ये बहुत ही बुरी तरह से हारेगा। देखते हैं आज आप क्या कर सकते हैं, प्रिंस या चोर या क्या कहूँ मैं आपको। आप मुझे अलादीन कहिए। एक ही बार के मेहमान हैं आप। और मैं इसे तेज तक बनाऊंगा। सीधा सीधा लड़ नहीं सकते, ये कर्तव्य क्यों कर रहे हैं? मुझे लगा इस तरह लड़ना आपको पसंद आएगा। ये अपना जाल बिछा रही है, देखूंगा नहीं। माना कि आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, लेकिन इस जाल में मैं नहीं फंसूंगा। ओ जबरदस्त, ये लड़का तो वाकई जीत गया बाबा। माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे ये करना पड़ा सिर्फ इनका दिल जीतने के लिए। आपने मुझे धोखे से हराया है। जिना बेटा, अपनी हार को तस्लीम करने में कोई बुराई नहीं है, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि ये मुकाबले का सिलसिला खत्म हुआ, और कहना पड़ेगा काफी होशियार हो तुम। ये रहा जुनान का कमरा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अभी वो गुस्से में है, मैं उसे समझा दूंगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, अब ये मेरी जिम्मेदारी है, आप जाएं और जाकर आराम करें। अच्छा चलो फिर ठीक है। निकल जाइए हमारे कमरे से। अगर आप नहीं चाहती कि मैं रुकूं यहाँ, तो फिर मैं चला जाता हूँ यहाँ से। क्या वाकई आप सच कह रहे हैं? जी हाँ। चले जाओ। अच्छा ठीक है, वैसे इस जवाब की उम्मीद नहीं थी मुझे। रुकिए, हमें लगता है आपको यूं खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए वापस। कहिए आपको क्या चाहिए, काफी मालो दौलत है हमारे पास। ये हाँ। मेरे बाबा ने मुझे ये दिया था, ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे अब तक ये पता नहीं चला कि इसका इस्तेमाल कैसे होगा। मेरे कुछ दोस्त हैं जो इसको इस्तेमाल करना जानते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, लीजिए दे दीजिए उन्हें। मुझे मानना पड़ेगा आपने जो किया बगैर किसी लालच के किया। क्या हम कुछ देर और साथ रह सकते हैं? थैंक यू अलादीन। हाँ शेरजाद, तुम वापस आ गई, बताओ सब ठीक है ना? हाँ सब बस ठीक ही रहा। अलादीन के साथ क्या हुआ? अलादीन को शहजादी पसंद आ गई और उसने उसे बैटल में हरा दिया, और अब वो दोनों घूम रहे हैं क्रिस्टल सिटी में। अच्छा, सुनकर काफी अजीब लग रहा है। अच्छी बात ये है मुझे ये मिल गया। ओह ग्रेट शहजाद, तुम्हें नेक्रोमेटिक नेविगेशन निडल मिल गई। हाँ इसका मतलब है कि हम स्टोन बैरियर से गुजर सकते हैं। ओह शहजाद, तुम ना होती तो ना जाने मेरा क्या होता। मुझे भूख लगी है, मैं कुछ बनाता हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा देखो, जो भी बनाना है लेकिन मजेदार बनाना। वैसे तो मैं बहुत छोटा हूँ लेकिन मुझे भूख बहुत लगती है। हमारे पास सिर्फ चावल हैं उबले हुए। क्या
कह रहे हो तुम? क्या तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं? अच्छा मेरे लिए मीठा तो बना दो। खाना है या नहीं? ठीक है। आज का दिन काफी बेहतर गुजर गया हमारा। वैसे वहाँ तुमने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया? किया तो है, लेकिन मेरे पास इसकी वजह थी। आम सा खाना भी दावत की तरह लगता है जब आप अच्छे मूड में होते हैं, और नेक्रोमैंटिक नेविगेशन नीडल के साथ यहाँ से मुझे सफर आसान लगने लगा। लेकिन कुछ और लोग भी थे जिन्हें इसकी जरूरत थी, मगर ये सब कुछ एक नए दिन की कहानी है। एक ऐसी जमी बस मैजिक है जहाँ हर सू ताकत का समान, ना जाने कोई कौन बीज बन जाए और किसी के हाथ ना आए। साजिशें नफरतें बढ़ती ही जाए, शहजा देख ना पाए, खतरों से ना डरे ना वो घबराए, मंजिल से मिल जाए। आए शहजा सुन को जल से मिटाए, आए शहजा आए आके हर उलझन सुलझाए। हम ढूंढने निकले नेक्रोमैंटिक नेविगेशन नीडल, एक जादुई कंपास जो हमें वॉक वॉक आइलैंड और ट्री ऑफ लाइफ तक पहुंचाने के लिए स्टॉर्म बैरियर की राह से गुजरने में मदद देगा। और इसको जीतने के लिए अलादीन को शहजादी जिनान से मुकाबला करना पड़ा, और वो इस मुकाबले में जीत गया। लेकिन हमारी लड़ाइयाँ बहुत मुख्तलिफ थी। ठीक है, मुझे लगता है ये हो गया, हम जाने के लिए तैयार हैं। नेक्रोमैटिक नेविगेशन नीडल, कितना मुश्किल नाम है। तो ये किस काम आती है? मैं सोच रही थी कि मैं इसे अपने पास रख लूं। ठीक है, ये लो फिर। वाओ! अरे तुम्हें इसको एहतियात से पकड़ना चाहिए, ये बहुत ही कीमती है। मैं नहीं चाहता कि इसके साथ कुछ हो। अगर मेरी जरूरत पड़े तो मैं यही हूँ। कमाल, मैंने तुमसे कहा भी है कि इसमें से पानी नहीं पियो, ये पीने के काबिल नहीं है। तो पोर्ट चलना चाहिए। आई होप कि वहाँ कोई जहाज मिल जाए जो हमें वॉक वॉक आइलैंड तक ले जाए। चलो चले जमाल, और फिक्र मत करो, हम तुम्हें पोर्ट टाउन में एक अच्छी सी जगह ढूंढ देंगे जहाँ तुम सीसिक नहीं होगे। अवे! हम ट्री ऑफ लाइफ तक पहुंच जाएंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। तुम इतना कर रही हो मेरे लिए शहजाद, इसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये और कोई नहीं करता मेरे लिए। हे, अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो तुम भी मेरे लिए ऐसा ही करते। तुम मॉन्स्टर बनती तो कैसा लगता, मेरा ख्याल है तुम पर रेड कलर ज्यादा सूट करता। अच्छा बस, अब राइड एंजॉय करो, हम बस पहुँचने वाले हैं। मेरा सर। जमाल, क्या हुआ है? मेरा ख्याल है इसे अंजीर की जरूरत है, और अब ये आगे नहीं उड़ पाएगा। ओ, ये तो बुरी खबर है। मुझे नहीं लगता कि ये मसला है, क्योंकि इसके पास इतने सारे अंजीर थे कि कम से कम 17 साल तक काम आ सके। तो फिर हुआ क्या है? जमाल, सामने देखो, पकड़े रहना, संभाल कर जमाल। करीम, जमाल, तुम ठीक तो हो ना? ओह, शुक्र है। तो यानी मेरा कोई नहीं पूछेगा कि मैं ठीक हूँ या नहीं? मॉन्स्टर की खैरियत पूछी जा रही है, और यहाँ तक के ऊँट का भी पूछा जा रहा है, लेकिन मुझे कोई नहीं पूछता। हलील, क्या आप ठीक हैं? हाँ ठीक हूँ मैं। जमाल ने जिस तरह लैंड किया लगता था बचूंगा नहीं मैं। ओह, लेकिन बच गया मैं। क्या हुआ जमाल? लगता है इसकी तबीयत ठीक नहीं। पता नहीं मुझे, मैंने इसे ऐसे पहले कभी नहीं देखा। मेरे अंदाजे में डिहाइड्रेट हो गया है, ये प्यासा है, बहुत दिन हो गए हैं इसने पानी नहीं पिया। क्या हुआ जमाल, प्यास लगी है तुम्हें? यहाँ आसपास कहीं झरना होना चाहिए, है ना? हो सकता है उस पहाड़ के करीब झरना हो। क्या तुम चल सकते हो? चलो आ जाओ, चलो तुम्हारे लिए पानी ढूंढते हैं।
काश तुम मुझसे भी पूछ लेती, लेकिन मुझसे तो पूछा ही नहीं जाता। मुझे भी थोड़ा सा ठंडा पानी पीना है। शेरजाद, यहाँ देखो, एक ट्रेन। ये कहीं ले जा सकता है। आओ इसके पीछे चलें। दुनिया साथ, प्लीज यहाँ आओ। आकर देखो तो सही, मैंने एक बिल्कुल नया गेम डिजाइन किया है। What a game! जिसके सारे रूल्स मैंने बनाए हैं। It's a great fun! तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। नहीं, मेरे पास इन चीजों के लिए वक्त नहीं है। मेरी परेशानी इस वक्त ये है कि वो मॉन्स्टर करीम अभी भी बाहर आजाद घूम रहा है, और उसका आजाद घूमना हमारे लिए ठीक नहीं है। हमें उसको जल्दी पकड़ना होगा। मुझे लगता है दुनिया आजाद, आपको आराम की जरूरत है। इंजॉय कीजिए, शहर घूमिए। आप टेंशन क्यों लेती हैं? रिलैक्स हो जाएं। तुम ये कैसे कह सकते हो शाहजमान कि मैं रिलैक्स हो जाऊं? तुम्हारा तख्त दांव पर लगा है। ये खेल खेलने का वक्त नहीं है, बल्कि ये सोचो कि अपनी बादशाहत को कैसे बचाना है। ओहो, क्या हो गया है मुझे? दिमाग ही नहीं काम करता है। मेरा तख्त छिन गया तो? हाँ, वो देखो उधर, पानी मिल गया हमें। रुक जाओ जमाल। लेकिन क्यों? पता नहीं मुझे, लेकिन जब से हम यहाँ आए हैं मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। तुम्हें वहम हो रहा है, कोई नहीं है यहाँ। जमाल रुको! अरे अरे अरे, दौड़ लगी है क्या? अरे रुको तो सही, अरे रुको। यहाँ तो पानी नहीं है, ये नकली है। काश के मैं दिखावा कर सकता कि मैंने इसे नहीं देखा। अब कौन सी परेशानी आ गई? करीम, नहीं, कुछ नहीं कर सकता, ये अकेला है। तुम कहो तो मैं निमटता हूँ। ठीक है, तो यानी अब हम वाकई परेशानी में आ गए हैं। हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि किस्मत ने हमारे साथ कमाल किया है बॉयज। इन दोनों को सोने के बराबर तोला जाएगा। पकड़ लो इन्हें, जल्दी करो। ये 16 और हम दो, ये तो बराबरी की लड़ाई नहीं है। मुझे लगता है कि मुझसे मुकाबले के लिए अभी भी तुम लोग कम। तुमसे एक बात कहूं, जब तुम ऐसी बातें करते हो तो और अच्छे लगते हो। इनका चीफ ले गया उसे। तो वापस लेने के लिए उसके पीछे जाना होगा। आखिर शेरजाद कहाँ जा रही है? उसे छोड़ो, मेरे पीछे देखो। नहीं जमाल, तुम पहले ही ठीक नहीं। ओके, ये तो गए काम से, अब क्या करें? और हम लोग हैं किस जगह? क्या करा रहे हैं ये सब लोग? कहने वाले मेरे बारे में कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, तो मेरा ख्याल है गाना हो ही जाए। गाना गया भी नहीं और उसके असरात शुरू हो गए। इससे कहो कि प्लीज हमें गाना नहीं सुनना है। अगर इसने सुनाया तो? तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। हाँ?
दिख गया मुझे। वाओ, जबरदस्त जमाल, बस आराम से अब। आप कौन मोहतरमा? नो। क्या आपको मेरी मदद चाहिए? बिल्कुल नहीं, नहीं। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? मैं चलता हूँ, चलो फ्लाईवेल। रुके, प्लीज। मरना चाहती हैं क्या आप? आपको नहीं पता यहाँ बहुत खतरनाक लोग मौजूद हैं। मैं माफी चाहती हूँ, मुझे पानी चाहिए। क्या आपके पास पानी होगा? बहुत कम, बस एक घूंट पी लीजिए। क्या तुमने सुना जमाल, सिर्फ एक घूंट पी सकते हो? ये ऊँट के लिए बिल्कुल नहीं है। एक घूंट पानी पीने के लिए मैंने आपको कहा था, आपकी ऊँट को बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि एक घूंट पानी से ऊँट की प्यास बुझ सकती है? फ्लाईवेल, माफ कीजिएगा, जितनी आप दिखती हैं उससे कहीं ज्यादा बेवकूफ है। मैं अब यहाँ मस्जिद नहीं रुकूंगा, मैं अब चलता हूँ। रुके, ऐसा बोले, आपकी चीखने से हम खतरे में पड़ सकते हैं। किसी चोर ने मुझसे कुछ चुरा लिया है और मुझे उसे ढूंढना है। ये जगह बदनाम जमाना 40 चोरों का गढ़ है, तो ये तो आपके साथ होना ही था। क्या कर सकते हैं? मुझे उनका लीडर ढूंढना है। क्या कहा, उनका लीडर? वो तो बहुत खतरनाक है, आप मुश्किल में पड़ जाएंगी। मेरी बात मानिए, आप यहाँ से चली जाएं। मैं आपकी जगह होता तो मैं भी यही करता, उनके गारों के करीब कभी नहीं जाता। उनकी गार? आप जानते हैं वो कहाँ है? बताएं मुझे। कौन सा गार? मैं किसी गार के बारे में कुछ नहीं जानता। प्लीज, आप मुझे वहाँ ले चलें। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, ये बात जहन में रखें। फिलहाल यहाँ से निकलना जरूरी है। रुके, क्या आपने नए सुल्तान के कत्ल के बारे में सुना है? बिल्कुल सुना है उस बारे में, अफसोस हुआ, लेकिन वो मेरा मसला नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ कि सुल्तान अभी भी जिंदा है और आपका मुझे चोरों के ठिकाने तक पहुंचाना उसकी मदद कर सकता है। ठीक है, अगर सुल्तान जिंदा है तो ये जानकर मुझे खुशी हुई, लेकिन अब मुझे खुद को बचाना है। माफ करना, मुझे अब जाना होगा। वहाँ खजाना होगा? जाहिर सी बात है, वो यहाँ से गुजरने वाले हर मुसाफिर को लूटते हैं, तो यकीनन खजाना तो होगा। बताएं कि गार कहाँ है और शायद वहाँ से आप भी कुछ खजाना ले सके, जितना भी आपका दिल चाहे। ओह, तो क्या आप गार में जाएंगी? मुझे सोचने दें। कीमती खजाना? अली बाबा आपकी मदद के लिए हाजिर है। मैं जब भी यहाँ पर लकड़ियाँ जमा करता हूँ तो मुझे चोरों के ये निशान नजर आते हैं। आपको यकीन है कि ये निशान चोरों के ही हैं? उनके जूतों के तलवों में ये खोपड़ी बनी हुई होती है। आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि वो खतरनाक नहीं है, क्या समझिए आप, लेकिन ये निशान हमेशा इस चट्टान के पास आकर रुक जाते हैं। अब वो उस चट्टान के ऊपर तो नहीं जा सकते, नीचे भी नहीं जा सकते, तो आखिर जाते कहाँ हैं? मगर यहाँ तो कोई दरवाजा नहीं है। जल्दी से छुप जाओ। आ जाओ जमाल। खुल जा सेम सेम। ओ, बंद हो सिम सेम। जमाल तुम यहीं रहना। सुनो बेवकूफ लड़की, हमारी डील याद है ना? तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा, फिक्र मत करो, और मुझे कहना बंद करो, मेरा नाम शेरजाद है। ठीक है शेरजाद, माफी चाहता हूँ, ऐसी बेवकूफ लड़की मैंने कभी नहीं देखी। शायद वो ठीक ही कह रहा था। खुल जा सेम सेम। बंद हो सिम सेम। मैंने सोचा कि आप शायद अंदर चले गई, मैं तो बहुत डर गया। खुल जा सिम सिम। वाह, कितना सारा खजाना है, लेकिन ये जगह तो बहुत बड़ी है। मैं अपना बैग कहाँ ढूंढूं यहाँ? खजाना। अरे मेरी ताकत क्या है, तो कोई टिक ही नहीं सकता। तुमने देखा मैंने कैसा मजा चखाया उन्हें? हाँ बिल्कुल, तुम्हारी क्या बात है, क्या तंस कर रहे हो तुम मुझ पे? बिल्कुल नहीं, क्यों करूँगा मैं तुम पर तंस? चलो अब शेरजाद को ढूंढना है। वैसे मुझे यकीन है कि तुम मुझ पे तंज ही कर रहे थे, मैं बहुत समझदार हूँ, तुम जानते नहीं हो दरअसल मुझे। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें। तो फिर ठीक है, ये तो और भी अच्छा है,
कहाँ है? इसे यहीं कहीं होना चाहिए। अली बाबा, आपको मेरी मदद करनी चाहिए उसे ढूंढने में। क्या बात? इतना सारा सोना! जो मैं ढूंढ रही हूँ, अगर वो मुझे नहीं मिला तो गोल्डन सिटी पर एक जालिम हुक्मरान रूल करेगा बहुत सालों तक, जिसका मतलब है जुल्म और भूख और गुर्बत। हाँ, तुमने ठीक कहा। ये देखो कितना खूबसूरत चैलेंज है, ये तो बहुत कीमती होगा, है ना? आप सुन भी रहे हैं? वहाँ लोग मुसीबत में हैं, भूखे परेशान हैं। बहुत अफसोस की बात है, लेकिन ये आपका मसला है। ये सिर्फ मेरा मसला नहीं है, ये आपका भी है। मुझे सिर्फ एक मसला दरपेश है कि मैं यहाँ से ये सामान कैसे निकाल के ले जाऊंगा। क्या आप जानते हैं दुनिया में आपके अलावा भी लोग हैं? हाँ, मुझे भी कुछ लोगों की जरूरत होगी ताकि वो इसे यहाँ से ले जाने में मेरी मदद कर सके। यस। आपको मेरा बैग मिल गया? नहीं, लेकिन यहाँ से कुछ खजाना ले जाने के लिए ये काफी होगा। मुझे अब यहाँ से जाना होगा, आप अपनी तलाश जारी रखिए। मुझे उम्मीद है कि अब आप एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगी। मैं भी अब एक अच्छी जिंदगी गुजारूंगा। अली बाबा, वापस आइए। इसे बिल्कुल एहसास नहीं। बंद हो जाए सिम सिम। फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील, तुमने ये क्या किया? हमारे पास बस वो ही पानी था। अरे नहीं। हाँ, वैसे भी ये पानी मेरे लिए काफी नहीं था। वैसे आज के बाद हम इतने मालदार होंगे कि अपने कुएं खुद खरीद सकते हैं। चलो, उन चोरों के आने से पहले पहले हमें यहाँ से निकलना होगा, खतरनाक है वो। कहाँ हो सकता है? यही कहीं होगा। ओह, शुक्र है, आखिरकार मिल गया। अरे नहीं 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 नहीं, 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 नहीं कहाँ गई? क्या तुम मुझे इस तरह घूरना बंद कर सकती हो? सुनो, उसको उसका बैग मिल चुका होगा और वो मुमकिन है अपने घर जा चुकी हो। सब के सब निकम्मे और बेकार। ये काम भी मुझे खुद ही करना पड़ेगा। मैं जान गया ये तुम्हारे बस का काम नहीं है उस मॉन्स्टर को पकड़ना। तुम लोग किसी काम के नहीं। मुझे यकीन है कि वो ठीक होगी। वैसे भी ये हमारा मसला नहीं। चलो फ्लाईव्हील घर चलते हैं। एक छोटा सा काम कहा और तुम वो भी ना कर पाए। खुल जा सिम सिम। गेम तो अच्छा डिजाइन हो गया है, लेकिन मुझे इसे बड़े पैमाने पर लाना होगा। वाकई मैक्सिमम एक्सरसाइज और मिनिमम एफर्ट, आई लाइक इट। लेकिन मैं इसका नाम क्या रखूं? कहां चला गया? मैंने यही रखा था, पता नहीं कौन ले गया यहां से। कौन ले गया, क्या ले गया, बताओगी क्या मुझे? मेरा मैजिक कारपेट। तुम तो यहां सारा दिन फिजूल कामों में लगे रहोगे, लेकिन मुझे उस मॉन्स्टर को ढूंढना ही है। कहां है बताओ मुझे? मैजिक कारपेट? हाँ, मेरा फ्लाइंग मैजिक कारपेट, जिस पर बैठकर मैं आराम से उसे ढूंढ सकती हूँ। अब जल्दी बताओ कि वो कहाँ है, मुझे जाना है। वो दरअसल काफी डर्टी था, तो ड्राई क्लीन के लिए। क्या, ड्राई क्लीन के लिए? अर्जेंट दिया है, कल वापस आ जाएगा। तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं? ये गेम खेलें, बहुत मजा आएगा। आखिर हम उनको पकड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं चीफ? हमारे पास पहले इतना खजाना मौजूद है। समझ क्यों नहीं आती तुम्हें? हाँ, ऐसे मवाके जिंदगी में सिर्फ एक बार आते हैं, समझे? उनके बदले हमें कितना सोना मिलता तुम सोच भी नहीं सकते। और सिर्फ यही नहीं, नीरव, अगर हम उन्हें पकड़ लेते तो सुल्तान हमारे एहसान तले दब जाता। क्या अंदाजा है तुम्हें इससे कितना फायदा होता? सब बुरे कामों की
हमें माफी मिल जाती और उससे खजाना हासिल करके हम और ताकतवर हो सकते थे। हालात ठीक हो सकते थे, हम खुल के चोरी कर सकते थे और फिर हमें इधर उधर छुपने की भी कोई जरूरत न होती। चीफ, लगता है यहाँ से कुछ चोरी हुआ है। क्या? हाँ चीफ, यहाँ से भी एक सोने की भरी हुई बोरी गायब है। क्या मतलब है तुम्हारा? ये मुमकिन नहीं है, कोई नहीं जानता इस जगह के बारे में हमारे सिवा, और ना ही कभी कोई जान पाएगा, कोई नहीं। वो यही कहीं होंगे, ढूंढो ने हर जगह छान मारो। हो रहा, पकड़ो उसे। उसे मेरे पास लेकर आओ, जिंदा या मुर्दा। उन्हें ढूंढते हैं, वो ज्यादा दूर नहीं भागे होंगे। हाँ, इसी तरफ गए हैं वो, चलो। बताओ मुझे क्या करने आए हो तुम लोग यहाँ? दिल तो चाह रहा है तुम्हें यहीं खत्म कर दूं, लेकिन लगता है कि सुल्तान तुम्हें देखकर ज्यादा खुश होगा। मैंने कहा छोड़ो मुझे, नीचे उतारो। कहाँ है वो मॉन्स्टर, बताओ मुझे, वो मुझे अभी चाहिए वरना मैं तुम्हें। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल। करीम, तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ, शुक्रिया तुम्हारा और आपका भी। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन ये है कौन? अली बाबा, करीम से मिले। हाँ। ये दोस्त है। हाँ। ओ अच्छा, कैसे हो? और मुझे सब अलील कहते हैं। वाओ, हे जीनी, क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त। आखिरकार किसी को तो पसंद आया मैं। जमाल, हमें जल्दी निकलना होगा इससे पहले कि इसके साथ ही आ जाएं। आप कर क्या रहे हैं? थोड़ा वजन कम कर रहा हूँ, फ्लाई व्हील ने आज वैसे भी बहुत सा वजन उठाया है। वैसे हमें भी इस तरफ जाना है। दरअसल हम इस तरफ से जाएंगे। हाँ? आप अच्छे इंसान हैं अली बाबा, उम्मीद है कि हम दोबारा मिले। लेकिन जब आपका सुल्तान इनामात बांट रहा हो तो मुझे जरूर याद रखिएगा। बाय। हम ऐसे उड़ नहीं सकते, हमें जमीन पर चलना होगा। गुड न्यूज, मुझे नीरल वापस मिल गई। मतलब वो गुम हो गई थी। अब मैं जानती हूँ कि कहानी कहाँ से शुरू होगी। मैं तो ये सोच रहा था कि शायद अब मुझे ही कुछ करना होगा। हाँ, जैसे मैं तुम्हें अकेले करने देती। और अब स्टोन बैरियर क्रॉस करने से हमें कोई चीज नहीं रोक सकती, हमें सिर्फ एक जहाज तलाश करने की जरूरत है। फिर शुरू होगा एक ऐसा एडवेंचर जो हमें क्रिस्टल सिटी की तरफ ले जाएगा, मगर ये सब कुछ एक नए दिन की कहानी है।